I got a funny feeling. हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आपके सजेशन पे एक सुपर्ब से सॉन्ग का रिएक्शन ला लेके आ गए हैं। सॉन्ग का नाम है जान तोहरी मम्मी कसम, ठीक है। और ये गाना हमें सजेस्ट किया है आसू मोरिया ने। गाना है नीलकमल सिंह का। इनके पहले भी हम कई गाने रिएक्ट कर चुके हैं और सभी गाने बहुत अच्छे हैं, हटके होते हैं। हर एक सिंगर का ना दोस्तों एक अलग अंदाज होता है गाना गाने का, वीडियो मतलब गाना दिखाने का, तो इनका भी अलग अंदाज है, बहुत अलग। तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं इनकी वीडियोज को भी, इसलिए हम एक बार फिर से रिएक्शन करेंगे। और अगर आप लोग हमें वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो हमें कमेंट करके कर दो, सेंड का बटन बता दो। हाँ, कमेंट कर दो, हमें पता चल जाएगा कौन सा गाने का रिएक्शन करना है, हम कर देंगे, ठीक है। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। चलो गाना सुनते हैं, गाना सुनते हैं, उसके इसके बारे में बात करेंगे। ये मेरे को लग रहा है इनकी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कई गाने कर चुकी है, है ना। हर दूसरे गाने में ये दिखती है, कुछ ना कुछ तो है लोजिक इसमें। बदल बदल के मम्मी कसम। ये लोकेशन कई गानों में देख रहा हूँ मैं।
सुपर सॉन्ग था दोस्तों। मतलब वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, इनके गाने ना जो दर्द भरे गाने होते हैं ना उनको मैं ज्यादा एंजॉय करता हूँ। गाना ये बहुत अच्छा था लेकिन अलग ही फील आती है। हाँ, इनके दर्द भरे सैड सॉन्ग्स में एक अलग ही फील है, अलग ही दर्द है। तो उस लेवल का नहीं था गाना, ठीक है, लेकिन गाना बहुत अच्छा था, लेकिन उस लेवल का नहीं था। क्योंकि जो होता है ना कि भाई इस सिंगर में अंदर वो बात है, मतलब सामने वाले को रुला दे, मतलब जिन्होंने ये पहली बार सुना होगा ना इन सिंगर का, उनको बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो लेकिन जो पहले सैड सॉन्ग सुन चुके हैं ना उनको इस गाने में कमी लगी होगी, कमी मतलब कमी से फील हुई होगी। एग्जैक्ट उनको नहीं पता क्या कमी है, क्या मिस कर रहे हैं, लेकिन ये कि कुछ जो पहले सैड सॉन्ग सुन चुका है, लेकिन जो इसका यही पहला गाना है उसके लिए गाना बेस्ट है सच में। तो हमने बहुत एंजॉय किया इस गाने को। अगर आप लोगों ने हमारे रिएक्शंस को एंजॉय किया हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और एक और बात रहेगी कि जो ये देख रहे थे ना बैकग्राउंड, जो लोकेशन थी, मेरे को लग रहा है स्पेशली बिहार में ही कहीं बनाई हुई है, स्पेशली शूटिंग के लिए है ना। और ये किराए पे देते हैं, स्पेशल शूट होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यही लोकेशन मैं कहीं खेसारी लाल के गानों में भी देख चुका हूँ। हो सकता है ना, सेम लोकेशन। एक गाना था शायद अक्षरा सिंह का था, वो भी शायद इसी लोकेशन पे, पता है दूसरी एक्ट्रेस थी तो याद नहीं, लेकिन मतलब ये लोकेशन देखी हुई है। हाँ, मतलब यार बिहार काफी डेवलप कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतने अच्छे अच्छे, पता है क्या, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए तभी कम खर्चे में काम चलेगा। नहीं अगर हर सिंगर अपनी अलग से लोकेशन बनाने लग जाए तो खर्चा बहुत हो जाएगा। जैसे मुंबई में एक लोकेशन है, मतलब वही जो फिल्म सिटी बोलते हैं, उसी में सारी सारी मूवीज की शूटिंग हो जाती है, सभी सीरियल्स की शूटिंग हो जाती है इसलिए। तो दोस्तों हमने बहुत एंजॉय किया। अगर आप लोगों ने हमारे रिएक्शंस को एंजॉय किया, आप हमारी बातों को एंजॉय करते हो, हमारी कंपनी का एंजॉय करते हो और हमारे साथ और भी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स देखना चाहते हो, फाइट सीन देखना चाहते हो, मूवीज देखना चाहते हो, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे करो फॉलो और घंटी का दबा लो बटन। और चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।